कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक वर्ष श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते पांडवों के पास पहुंच गए, पांडवों के करीब में गए। और देवऋषि नारद जब पांडवों के करीब में गए, पांडवों के नजदीक में जब पहुंचे, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को देखा, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हुए। खड़े होकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी से कहा, आपका आगमन कैसे हुआ? आप किस लिए आए? आपके आने का कारण क्या? जैसे आप लोग कथा में बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, नवरात्रि का समय है, 5 दिन आपको मिले हैं, उसमें कथा का पहला दिन है। आपसे अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई आपसे पूछे कि आपका क्यों आना हुआ, किस लिए आया, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ, क्यों आए, तो आप बड़े प्रसन्न होकर भगवान देवदत्त महादेव का नाम लेकर कहोगे कि भाई हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है और हमने सुना है कि जो शंकर की शरण जाता है, जो शिव की शरण जाता है, जो भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करता है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता जाए।